हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में। इस बार सूर्य ग्रहण के साये में शुरू होगी शारदीय नवरात्रि। ऐसे में व्रत और पूजा कैसे करें, जाने सूर्य ग्रहण का नवरात्र पर असर। दोस्तों, जल्द ही नवरात्र पर्व शुरू होने वाले हैं। माँ दुर्गा के भक्तों के लिए नवरात्र के ये 9 दिन विशेष महत्व रखते हैं। नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन बता दें कि इस बार नवरात्र के पहले दिन ही सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, जिसकी शुरुआत 14 अक्टूबर की रात 8:34 से होगी और समाप्ति 15 अक्टूबर को सुबह 2:25 पर होगी। मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने वर्जित माने गए हैं। ऐसे में इस बार सूर्य ग्रहण के साये में होगी नवरात्र की शुरुआत। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2023 में नवरात्र कब से कब तक रहेंगे और सूर्य ग्रहण का इस नवरात्र पर क्या असर रहने वाला है। इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। कब से कब तक रहेंगे शारदीय नवरात्र। साल 2023 में शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रहे हैं और 23 अक्टूबर मंगलवार को नवरात्र समाप्त होंगे। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष अनुसार जिस वार से नवरात्र शुरू होती है उसी के अनुसार देवी का वाहन निश्चित होता है। इस साल रविवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब रविवार से नवरात्र शुरू होती है तो देवी का वाहन हाथी माना जाता है, जो कि अधिक वर्षा का संकेत देता है। बात करेंगे सूर्य ग्रहण का नवरात्र पर क्या असर रहेगा। ज्योतिष अनुसार सूर्य ग्रहण का इस नवरात्र पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए आप पहले नवरात्र पर विधि विधान से कलश स्थापना कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण 15 अक्टूबर की सुबह 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में नवरात्र पूजा में सूर्य ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा 14 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। माना जाता है कि सूतक काल मान्य न होने के कारण किसी भी तरह के शुभ कार्य या पूजा अनुष्ठान में कोई भी बाधा नहीं आएगी। दोस्तों, बात करते हैं शारदीय नवरात्र 2023 के तिथि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर की रात 11:24 से शुरू होगी और ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्र के पहले दिन ही घट स्थापना की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। 15 अक्टूबर को कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए इस साल आपको 48 मिनट का शुभ मुहूर्त मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे के ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोलॉजी टिप्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता दी।